नमस्कार। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में खींवसर से हनुमान बेनीवाल और मंडावा से नरेंद्र कीचड़ विधायक बने थे, जिनके बाद हनुमान बेनीवाल के नागौर सीट से और नरेंद्र कीचड़ के झुंझुनू सीट से लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद दोनों सीटें खाली हो गई हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीट नहीं जीत पाई थी। इसी वजह से पार्टी अब इन दोनों सीटों को जीत कर विधानसभा में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है। इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस में यहां से प्रतिपक्ष के पूर्व नेता रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का नाम चर्चा में है। वहीं मंडावा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक रीटा चौधरी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत का नाम खास चर्चा में है। प्रदेश के झुंझुनू जिले की मंडावा और नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी 3-4 दिनों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले कांग्रेस निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की हुई मंत्रणा में दोनों सीटों पर उतारे जाने वाले उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर दावेदारी को लेकर ज़्यादा नाम नहीं थे। दोनों सीटों पर 4 से 5 नामों पर मुख्य रूप से मंथन हुआ। इसमें नामों को लगभग अंतिम रूप भी दे दिया गया है। राज्य की दोनों सीटों पर उपचुनाव की घोषणा शुक्रवार को चुनाव आयोग के CI सुनील अरोड़ा ने की। दोनों सीटों पर उपचुनाव 21 अक्टूबर को होगा, वहीं 24 अक्टूबर को परिणाम सामने आएगा। देश भर की कुल 164 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। ऐसे और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।